मिसल बना रही हूँ आज मैं। देखिए मिसल बना रही है मम्मी, ये है इसका मसाला। स्वागत है प्यारे भाई आपका हमारे ब्लॉग के अंदर। और आज मैं बना रही हूँ मिसल वटाने का, मतलब इसको मूंग का भी बनाते हैं, अखे मूंग का भी बनाते हैं, शेंगदाने का भी बनाते हैं, कोई कोई वटाने का बनाता है। मैं वटाने का बनाती हूँ, बच्चे लोगों को पसंद है। हम लोगों ने वटाना बॉईल करके रख लिया है। ये टमाटर है जिसको मैंने वटाने के साथ में उबाला है और अभी मैश किया है। और ये हमारे थोड़े मसाले हैं, वैसे तो वो बहुत तीखा बनता है पर क्योंकि हम लोग ज़्यादा तीखा खाते नहीं है इसीलिए ज़्यादा तीखा नहीं बना रहे। ज़्यादा मसाले नहीं डालने होते हैं, सिर्फ धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और वो लाल तिखट मसाला होता है वो यहाँ अवेलेबल नहीं है बस, इसीलिए मैंने अपने हिसाब से जो मसाले डालने थे डाल दिए हैं। ये देखिए मसाला पूरा पक चुका है, अब इसके अंदर ये टमाटर डाल देंगे। और एक बात कि इसका जो ये रस्सा रहता है ना वो एकदम पतला रहता है, क्योंकि वो पतले रस्से के अंदर ही आप लोग फरसान डाल के और ब्रेड वगैरह से या पाव से खाएंगे। हम लोग ब्रेड से खाएंगे, जब खाएंगे तब आपको दिखाएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। तो प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आप लोगों को रिव्यू देने के लिए रेडी हूँ डव कर्ली हेयर शैम्पू का, क्योंकि 3 बार मैंने उससे वॉश कर लिया है अब अपने बालों को। और साथ में उसका कंडीशनर भी कंपलसरी आपको यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो है ना तभी वो बात बनेगी। और अब आप देख सकते हैं कि जो सर्दी के मौसम में बहुत ज्यादा फ्रीजी हेयर हो गए थे अभी वो बहुत बेटर हो गए। मैं सोच रही हूँ 3 बार धोने से इतने अच्छे हो गए, तो मतलब अगर मैं रेगुलर यूज करूंगी ना तो ये और भी अच्छा वो देंगे, कर्ल्स भी बहुत अच्छे बन जा रहे हैं, साथ में ना सॉफ्ट भी हो गए बहुत। और जो मेरे पुराने हेयर कलर का जो शाइन था ना, मतलब थोड़ा बच गया था, अभी तो बहुत टाइम से मैं कर नहीं रही हूँ, तो आप देखेंगे ना तो वो बहुत अच्छी तरह से दिखता है ऐसे ना, अभी बीच में दिखना बंद हो गया था, डल हो गया था, लेकिन अभी आप देखेंगे ना तो वापस से वो अच्छा दिखने लग गया है। तो अगर किसी के भी कर्ली हेयर है और अगर वो लेना चाहता है ना तो मेरी तरफ से आप मतलब आप ले सकते हैं, मैं बोलूंगी कि अच्छा है ये, बाकी ये कोई प्रमोशन नहीं है, वो लोग पैसा नहीं दे रहे। डव कर्ली हेयर शैम्पू, अगर आप थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन अगर आप लोग अपने बालों से प्यार करते हैं तो आप लोग लगाइए। वैसे तो डव का हर शैम्पू बहुत अच्छा है, मैंने सब तरीके के यूज किए हैं, लेकिन ये वाला क्योंकि वो मेरे बालों के लिए स्पेशली है, कर्ली हेयर के लिए है, तो ये बहुत ही अच्छा है। धीरे धीरे आपको और रिजल्ट पता चलेगा जैसे जैसे मैं और यूज करूंगी, ये तो 3 बार में आया है रिजल्ट, और आगे क्योंकि मैं लंबे कर रही हूँ बाल तो सोच रही हूँ कि अच्छे हो जाए शायद से। और आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे साथ बने रहें। अभी मैंने आप लोगों के लिए मिसल बनाया है, अभी हम लोग खाएंगे थोड़ी देर में, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। देखो दोस्तों दोनों भी बच्चे नहा धो के कितने अच्छे लग रहे हैं। गाइस आज पापा ने बहुत गलत बात कर दी, पापा ने ब्लॉग चालू करने से पहले बोला शांति बनाए रखो, हम लोग शांत क्यों रहे, पापा हमारी आवाज दबाना चाह रहे गाइस, बस ये कहना। तो देखिए हमारा खाना आ चुका है, ब्रेड है, मिसल है और साथ में शेवे जो कि हम डाल रहे हैं इसके अंदर ही। कहाँ से लाए थे ये, वीमार्ट से? नहीं रे, ये तो वो मेगा विशाल विशाल मेगा मार्ट से लाए थे। अरे इसके अंदर ही डालना पड़ता है बाबू, पर मेरे को नहीं डालना। लाओ कहाँ डालना है वो बताओ। बच्चों की अपनी चल रही है, नौटंकी चल रही है। तेरे को किधर डालने का है, तेरे को किधर डालने का भाई साहब, प्लेट पे साइड में दे। देखिए ये लोग कितना नाटक करते हैं खाना खाते टाइम, डालना उसके अंदर ही रहता है, तेरे को तो डाल दूं। हाँ मेरा भी डाल दो, इधर इधर डाल दो, इधर डाल दो, बाकी बहुत चर्बी है भाई ये घर नरम हो जाता है रे, थोड़ा इधर डाला थोड़ा इधर डाला, नहीं तो क्या नरम होता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। आपको डालना है तो खुद के अंदर, होटल वाले लोग उसके अंदर ही डाल के देते हैं, उनको बोलेंगे तुम लोग नरम हो जाएगा। मम्मी तो पूरा अंदर ही डालेगी अब, क्या बोली आयत तूने, डालना है तो अपना वाला अंदर डालो, तो डाल दो ना, डालो डाल दो। चलो भाई अब चुप हो जाओ, खाना तुमको डालना है तो सब सेव इसमें डाल दो और खा लो। वो इसने बोला था ये, इसलिए अच्छा है, टेस्टी लगा, मैं अच्छा बनाती हूँ मिसल। आया तू बता, अच्छा अच्छा खाए भी नहीं अच्छा लग गया ये क्रिटिक्स अच्छे तारीफ ही करेंगे। नहीं वो है ना एक मेरे को उसके ऊपर रील भी बनाने का है कि ना आपने तो कहा था कि ये मेरी जगह है, तो उसने कहा ये लोगों ने कहा है कि ये मेरी जगह है, तो वो बोलता है अरे इन लोगों को कुछ भी कहिए ये ऐसे ही जवाब देंगे। देखो खाना खाने में कितना टेंशन होता है, बहुत आधा घंटे पहले बैठना चाहिए खाना खाने के लिए, आधे घंटे पहले तो क्या तैयारियां करनी चाहिए, तो खाना खाने से पहले ही डकार आ गई।
छोड़ा है, तू मत खा, ये और एक पापा को दे दे तेरी ब्रेड, पापा खा लेंगे। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, चलो हम लोग खा के मिलते हैं, नहीं तो ये तो चलता ही रहेगा बच्चों का। क्या बनाया है दीदी ने भाई? दीदी ने बहुत अच्छा बनाया। क्या बनाया? लाजवाब। लाजवाब। और कितना मार्क्स देंगे आप? एक दिन तब भी मैं आऊंगी लाजवाब मुंबई, तेरे को मेरे हाथ को मिस करूंगी। गाइस अब से हम लोग इंस्टाग्राम पे कभी कभी लाइव भी आएंगे, तो आप हमारा इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना, हमें देखना ताजा फैमिली ब्लॉग। भाजी लेने गई थी, आपको भाजी नहीं मिली? नहीं, उसके पास टमाटर नहीं है, वो पपैया और छाछ बेच रहा है, और अब मैंने कैंसिल कर दिया है भाजी लेना। अब आलू पड़े, सोच रही हूँ कल आलू की भाजी बनाऊंगी, आलू का पराठा जो भी आलू का बनाऊंगी और दही वगैरह का सा, कल के लिए, ये कल के लिए ले रही थी मैं। और हो सकता है कल खाना बनाने से पहले आ भी जाए भाजी वाली सुबह, या अभी कोई भाजी वाली आ जाए। अचानक से हलवा क्यों पका रही हो? शबे पे रहते ना। ओह, इसलिए पका रही हो? हाँ। गाइस आपको बता देते हैं, हम लोग ने प्लान बनाया आज सुबह, अचानक से सोचा कि मुंबई चलते, फिर हमारा प्लान में थोड़ा चेंजेस आए, इस बार ट्रेन से चलते, फिर और चेंजेस आए, इस बार जाते ही नहीं है। मेरा मन ही नहीं कर रहा है मुंबई जाने का। वही, वैसे मेरा मन है मुंबई जाने का, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्यों जाऊं, मैं क्यों अपने पैसे वेस्ट करूं, मुंबई तो पैदा ही हुई थी, मैंने तो पूरा 35 साल मुंबई को देखा है, क्या ही बदल गया होगा। इससे अच्छा यही राजस्थान में कुछ कर लेंगे, घूम लेंगे, खा लेंगे, एंजॉय कर लेंगे, शॉपिंग कर लेंगे, पैसे ही कहीं गलानी है ना, यही गला देंगे, मरने दो, नहीं जाएंगे वही, इसलिए हम लोग का प्लान ही चेंज हो गया पूरा का पूरा। फिर आरिफ भी नहीं जा पाता। हाँ, क्योंकि पंचों का ध्यान रखना और सब करना, तो मैंने डिसाइड किया कि यही खर्चा करेंगे पैसे, यही एंजॉय करेंगे, थोड़ा थोड़ा गैप डाल डाल के इधर उधर चले जाएंगे। और वैसे भी आगे आ रहे हैं रमजान, रमजान में लोगों को खुद के घर में ही बतेरे काम होते हैं, फिर ऐसे में हम लोग जाकर बैठ जाए उनके घर पे, तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे से नहीं आएगा। सबसे अच्छा अपने घर पे ही हम लोग रहेंगे और घूमने जाया करेंगे जिधर हम लोग को जाना रहेगा, थोड़ा एक दिन किधर पे भी घूमने गए, कुछ अच्छा खा पी लिया, वो घूमना ही हो जाता है। मम्मी का मन था शीरे के साथ ये खाने का, क्या बोलते हैं, चाय खाने का, बचपन में खाते थे हम लोग, हर जुमेरात को मेरी मम्मी हलवा बनाती थी और साथ में दोपहर को चाय और हलवा खाते थे हम लोग, सही है, प्यास बनती थी। और हाँ, शुभरात के दिन हलवा वैसे तो सभी लोग बनाते हैं, लेकिन जिनके घर में जैसे कोई मर गया होता है तो उसके मरने के बाद जो पहली शुभरात आती है ना, उसके अंदर ऐसे हलवा हलवा बना के और उसके घर के लोगों के लिए, मतलब जो मर जाता है उसके नाम से बांटा जाता है। तो अब आरिफ की मम्मी मेरी सास, उनको तो इंतकाल हो के अभी इस बार मेरे हिसाब से शायद 3 साल हो जाएंगे या 2 साल पूरे हो जाएंगे, 3रा साल चालू होगा। और जो क्या बोलते हैं, कहते हैं ऐसा मान्यता है, ये मैंने मेरी सास के बारे में बात ही सुना था, मतलब रिश्तेदार लोग बोल रहे थे, मैंने पहली बार ही सुना था कि जो आज का शुभरात का दिन आता है ना, वो आज की रात रहती है ना, जगने की रात, तो आसमान में है ना पेड़ है एक, वो पेड़ का नाम कुछ तो है, मेरे को याद नहीं है, उसका है ना पत्ता गिर जाता है, तो जो भी मरने वाला रहता है इस आने वाले साल में, जो भी मरने वाला होगा उसका पत्ता गिर जाएगा। तो जो भी औरतें आई थी वो लोग यही बोल रही थी कि मेरी सास का पत्ता है ना शुभरात में ही गिर गया होगा, तो फिर शुभरात के 5-6 दिन बाद इंतकाल हो गया होगा। ऐसे कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो 23 मार्च है डेट, लेकिन ऐसे देखा जाए तो शुभरात के कुछ दिनों बाद ही इंतकाल हुआ था मेरी सास का। तो फिर मेरी सास को मीठा भी बहुत पसंद था, उनको बहुत शौक था मीठी चीजें खाने का, तो मैंने आज सोचा चलो अपनी सास के लिए हलवा बना लेती हूँ, खा लेगी मेरी सास भी हम लोग के साथ साथ, पर मैं खाती हूँ, कोई आओ तो खाओ उसके लिए, ऐसे डरने वाली बात भी है ना, कहते हैं लोग के आत्माएं हलवा खाने आती है, मैं खाती हूँ अगर हलवा खाएंगे, हलवा बहुत ही लजीज बन गया है, बहुत ही लजीज, हाँ एकदम मस्त दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा और सूखा करने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए इसको समझ रहे दर दरा सा बना रही हूँ।
गाइस देखिए इसके अंदर चाय और हलवा है, ऐसा क्यों? बचपन से आदत है मेरे को। क्या कमेंट है आपका इसके ऊपर? टेस्टी हलवा बनाइए। नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छा है, ये अजीब कॉम्बो के ऊपर क्या बात है? ये क्या बताएगा, ये बहुत गांडड़ी चीजें खाता है। जैसे कि ऐसे शादी हुई देखी एक बार मैंने इसको खाते हुए अंडा लिया हाँ। और ऐसे ब्रेड में ऐसे लपेटा और चाय में डुबा लिया और खा लिया। तेरा क्या इन दोनों बातों पे क्या ओपिनियन है तेरा? जिसका जो अच्छा लगता है वो खाओ। ओ सही है। अभी गाइस आपको मैं कुछ दिखाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है ऐसा। देखिए कितनी अच्छी अच्छी है, पढ़ाई कर रही है एकदम अच्छे से। कल साइंस का पेपर है ना, एकदम देखो प्यार से पढ़ाई कर रही। हलवा खा लिया, कैसा था हलवा? अच्छा था, घी वाला हलवा था वैसे। ये मम्मी ने आयत को क्या बोल के खिलाया ये हलवा? तेल वाला है, घी वाला बोलता तो ये मानती ही नहीं है, खाती ही नहीं है। हाँ तो इसको ये तेल वाला बोल के खिलाया, पूरा हलवा खत्म हो गया। देखो आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? हाँ तेल का बनाएंगे हम लोग, तो घी का बनाएंगे, अलग अलग दो जगह बनाएंगे। वीडियो है, वीडियो है, वीडियो है। ठीक है गाइस, इसने घी वाला हलवा खाया, तेल वाला। पिछली बार इसको बोल दिया था घी वाला है, छोड़ दी है ना? मुझे नहीं बोला था, छोड़ दिया था इसने। इस बार बोल दिया तेल वाला है, पूरा देखो कटोरी साफ करके दिए। अब देखो तकलीफ हो रही है सच पता चलते ही। गाइस देखो वहाँ पे खुक्का, वहाँ पे वो लोग एक हुक्का लाए और मस्त पी रहे सब लोग, छोटे छोटे बालक हुक्का पी रहे। कुछ कहना चाहोगी इस बात के ऊपर? अब मन है बालकों का, पी रहे इतने छोटे छोटे। हाँ लौंडे लाए फटफट वहाँ पे, दो रखा, दो लौंडे आए पीना चालू कर दिए। हुक्का पार्टी कर रहे हैं। हाँ फुल हुक्का पार्टी। गाइस वो जो छोटे बच्चे दिख रहे असल में ये हुक्का वो लोग का था, लौंडे तो ऐसे ही पीने आ गए थे, वरना देखो ये उनका पर्सनल हुक्का है। हाथ में आने वाला हुक्का है ये, फुल छल्ले बन रहे छल्ले।